बुधवार को केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण पीएफआई और उससे संबंधित कई संगठनों पर बैन लगा दिया है। ये बैन 5 सालों के लिए लगाया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से कई लोग खुश नजर आ रहे हैं, वहीं इस फैसले के बाद देश में राजनीति भी गर्मा गई है। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कुछ अलग अंदाज में इस फैसले का स्वागत किया है। हाथ में तिरंगा और अपनी पार्टी का झंडा लेकर एमएनएस यानी कि राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की हैं। जब से गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जांच में पीएफआई के कई आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की पुष्टि हुई है, तब से ही जश्न शुरू हो गया था। बता दें कि पुणे में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने रेड के बाद जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद अब जब बैन होने की खबर आई है, तब स्थानीय लोगों ने उतने ही दमदार तरीके से जश्न मनाकर सरकार के फैसले का स्वागत किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।